सोमवती अमावस्या के मौके पर नेवावर में नर्मदा तट पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा और जानकारी के मुताबिक शुभ मुहूर्त में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नेमावर वाय श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद नाभिकुंड और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमवार को मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग था और धर्माचार्यों के मुताबिक माघ माह में मौनी अमावस्या सोमवार को होने से शास्त्रानुसार सोमवती अमावस्या भी कहलाती है। इस दिन मौन रहकर भी भक्ति करने का शास्त्रोक्त विधान है। रविवार शाम से ही श्रद्धालुओं और भक्तों का नेमावर के नर्मदा तट पर आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो सोमवार को देर रात तक जारी रहा। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी, लेकिन साथ में सोमवती अमावस्या होने से इसका अधिक से अधिक और बड़ा विशेष महत्व माना गया है। 12 वर्ष के वनवास काल में पांडवों ने इसका इंतजार किया, मौनी अमावस्या सोमवती अमावस्या का, लेकिन उन 12 वर्षों के वनवास काल में सोमवती अमावस्या नहीं मिली पांडवों को। लेकिन हम कलयुग के लोग कितने भाग्यशाली हैं जो कि साल में 2 बार 3 बार भी सोमवती अमावस्या आ जाती है।